ये सच्ची कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जो न्यूजीलैंड की ऊंची पहाड़ियों में हाइकिंग के लिए गईं, पर इसी हाइकिंग के दौरान एक ऐसे चट्टान के करीब पहुंची जिसके सामने थी एक बर्फ की मोटी सी दीवार। पर ये जैसे दीवार को पार करके उस पार गईं, तो उन्होंने पाया ये भले ही इस पार आ गई हैं, लेकिन वापस से नहीं जा सकती। वहाँ से नीचे उतरने की उम्मीद में एक से दो, दो से तीन तथा हफ्ते गुजर गए, पर उन्हें नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल सका। स्टोरी की शुरुआत हुई देश न्यूजीलैंड से, जहां पर दो लेडी जिसमें पहले का नाम था सोंजा जबकि दूसरी थी मरनी, ये दोनों लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे पहाड़ी के बीच। पहाड़ी के बेस इनकी हाइकिंग की शुरुआत होगी। ये पहाड़ी के बेस पर 21 दिसंबर के दिन पहुंची थी। इनका आगे का प्लान है ये लगातार 3 से 4 दिन हाइक पर रहेंगे, जबकि 25 दिसंबर जिस दिन है क्रिसमस डे इन्हीं पहाड़ियों के बीच सेलिब्रेट किया जाएगा। पर ये दोनों इस बात से अनजान थे पहाड़ी के बीच पहुंचकर इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हाइकिंग पर जाने से पहले दोनों लोग अपने अपने बोतल में पानी वगैरह इकट्ठा करने लगे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद इन्हें पानी कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, किसी के पास नहीं था इसका जवाब। सोंजा को हाइकिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी उम्र थी मात्र 24 वर्ष, जबकि उसकी साथी मरनी यह एक स्पेशलिस्ट माउंटेन क्लाइंबर है जिसकी उम्र सोंजा से 13 साल ज्यादा थी, है 37 ईयर ओल्ड। फाइनली पानी वगैरह ले लेने के बाद दोनों निकल पड़े पहाड़ी की ओर। इस हाइकिंग के लिए दोनों लोग बहुत ही उत्सुक थे। ये जिस पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं, यदि इस पहाड़ी को पैदल चलकर लगातार पार किया जाए तो इसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी होगी लगभग 60 किलोमीटर। इस पूरे सफर के दौरान इन्हें हर तरह के एनवायरनमेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें ऊंची ऊंची पहाड़ी के साथ साथ बड़े बड़े नदी तथा झरने, जिनके बीच होगा घना जंगल। शुरुआती टाइम में पठार को पार करके पहुंचे जंगली एरिया में, कुछ ही टाइम में जंगल की सीमा को पार करके पहुंचे नदी के इलाके में। जिस टाइम ये लोग हाइकिंग के लिए गए थे उस टाइम नदी तथा झरने में पानी का फ्लो बिल्कुल कम था। ये बड़े आसानी से पार करके वापस से पहुंचे पठारी एरिया में, जिसके आगे शुरू होगा पहाड़ी इलाका। इसी तरह आगे भी कई घंटों तक हाइकिंग चली। अब तक ये पहाड़ के काफी ऊंचाई पर पहुंच गए। ये इस इलाके में पहले शख्स नहीं थे जो आए हैं हाइकिंग के लिए, इनसे पहले भी लोग आ चुके हैं कई बार। इसी कारण पहाड़ी के बगल में काफी अच्छा रास्ता बनाया गया था हाइकर के लिए। ये जब उस रास्ते से होकर जा रहे थे तो बीच में इन्हें काफी बड़ा बर्फ का चट्टान दिखा। जैसा कि हमने बताया कि ये दिसंबर का मंथ है, इसी कारण हो रही थी बर्फबारी भी। लेकिन जब ये बर्फ के चट्टान को देखें तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आगे क्या किया जाए, इसी रास्ते से आगे बढ़ा जाए या फिर ढूंढा जाए दूसरा कोई रास्ता। जैसा कि मरने काफी एक्सपीरियंस हाइकर थी, इसलिए इस पहाड़ी को पार करने के दौरान इन्हें किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है सब कुछ पता था उसे। इसी कारण डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसे। घंटों तक वहीं पर बैठी रही, यही सोचती रही कि आगे क्या किया जाए, यहाँ से ही आगे बढ़े या फिर ढूंढा जाए कोई दूसरा रास्ता। काफी लंबे सोच विचार के बाद फैसला किया गया, हमें इसी रास्ते आगे बढ़ना होगा, मगर हम बर्फ पर नहीं चढ़ेंगे, उसके साइड के पहाड़ी की ओर से चढ़ेंगे ऊपर। पर ऐसा करना और भी डेंजरस था, क्योंकि उसके बगल की पहाड़ी की ऊंचाई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ऊपर चढ़ने के दौरान इन्हें देखने को मिला घाटियों की कई सारी चट्टानें खिसक गई हैं। इन्हें बड़े सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इन्होंने सब कुछ अपने प्लान के अनुसार किया, हर खतरे से बचते हुए बड़े सावधानी से बढ़ने लगे आगे। उन दोनों में जो सबसे कम एक्सपीरियंस थी वह इन हालातों को देखकर घबराने लगी, पर उसे अपने सीनियर पर पूरा भरोसा है, वह हमें बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाएगी। पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बर्फ पड़े होने के कारण चट्टानों पर फिसलन काफी ज्यादा थी। इनका हर एक कदम खतरे से भरा था, क्योंकि अगर गलती से भी हाथ फिसला तो ये सीधा नीचे गिरेंगे, जहां से किसी का भी जीवित बच पाना नामुमकिन होगा। इन सभी चीजों का डर उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही थी नीचे की खाई दिखाई पड़ रही थी बिल्कुल क्लियर। सीनियर तो बड़े जल्दी से ऊपर चढ़ गए, लेकिन जब जूनियर की बारी आई तो बीच में ही उसका हाथ फिसलने लगा। वह बार बार खिसक कर जा रही थी नीचे, पर जैसे तैसे वह खुद को संभाली हुई है। मरनी उसे समझाई कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम भी आसानी से चढ़ जाओगी। ऐसा कहने पर वह वापस से कोशिश करने लगी, पर वह ज्यादा समय तक खुद को संभाल नहीं सकी। एक बार फिर से हाथ फिसला हुआ गिरने लगी नीचे, पर वह पूरी तरह से नीचे गिर पाती इससे पहले एक बड़े से चट्टान को पकड़ ली। उसे नीचे गिरते देख उसकी साथी भी जैसे तैसे करके पहुंची उसके पास, ऊपर लाने के लिए हाथ बढ़ाई, पर ऐसा करके वह भी खुद को मौत की तरफ ले जा रही थी। पर वह अपने सामने ऐसे ही किसी को नीचे गिरने नहीं दे सकती थी। आगे कई मिनट की कोशिश रंग लाई, वह बड़े मुश्किल से उसे
ऊपर खींच ली, पर इस टाइम ये जिस जगह मौजूद थे वह चट्टान का एक ऐसा हिस्सा था जो थोड़ा सा कटा हुआ है, जहाँ पर दो तीन इंसान आसानी से बैठ सकते थे। उसी जगह दोनों लोग बैठ गए, पर वह जगह इतना भी सुरक्षित नहीं था कि ज्यादा समय तक ऐसे ही बैठे रहें, इसलिए वहाँ से भी ऊपर चढ़ने का फैसला किया गया। पर सामने बिल्कुल सीधी चट्टान थी, ऊपर चढ़ना नामुमकिन था, इसलिए लेफ्ट साइड जाने का फैसला किया गया। पर लेफ्ट साइड की चट्टान भी बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर जरा सी भी चूक हुई तो वह गिरेगी सीधा नीचे। जूनियर अब एक भी कदम आगे बढ़ाने से मना करने लगी कि मैं मरना नहीं चाहती, पर उसके सीनियर का कहना था बस थोड़ी दूर आगे चलो, सामने काफी बड़ा स्पेस है, वहाँ पर हम रुकेंगे। दोनों जैसे तैसे करके गुफा जैसे स्पेस में जाकर रुकी। ये भले ही सुरक्षित हो गए थे, पर ये ज्यादा समय तक वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, उन्हें यहाँ से लौटना था जल्द ही। बाहर निकलने के लिए आस पास नजर घुमाया गया, पर इन्होंने जो मंजर देखा बचने की उम्मीद ही छोड़ने लगे। ऊपर देखा गया तो सामने बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ है, जबकि नीचे खाई, लेफ्ट तथा राइट साइड जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये उस जगह कुछ इस तरह फंस गए थे मानो जैसे आगे खाई तो पीछे कुआं। थोड़े समय बाद जूनियर कहने लगी हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, हम कर सकते हैं, लेकिन जूनियर ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई, कहने लगी मुझसे यह नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों लोग पूरी रात उसी जगह रुकी रही, पर इन्हें अच्छी तरह से पता है अगर ये दोनों यहाँ से नहीं निकलेंगी तो इन्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। फाइनली पहला दिन भी खत्म हो गया, सूरज ढलने के बाद हो गया अंधेरा। जैसे जैसे रात होती गई तापमान गिरने लगा, दोनों को लग रही थी कड़ाके की ठंड। अभी के लिए इनके पास कुछ कपड़े वगैरह थे जिनसे वे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश की। इस तरह ये भले कितने भी कोशिश कर लें, मगर इन्हें बचना है तो यहाँ से निकलना ही होगा। रात के 9 बजे के आसपास इन्हें आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ सुनने को मिली। अब वक्त के साथ दोनों के अंदर डर बैठने लगा कि कहीं बारिश न होने लगे, अगर ऐसा हुआ तो दोनों लोग भीग जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ बर्फबारी भी पड़ती है, इनके साथ कुछ हो या न हो ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया से मारी जाएंगी। मगर इन्हें जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। अगले आधा घंटे के अंदर ही हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई। शुरुआत में इन्हें लगा कि बारिश बंद हो जाएगी, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया बारिश कम होने की बजाय और भी बढ़ती गई। इस तरह वक्त के साथ दोनों के बीच खटास बढ़ने लगी। जूनियर अब तो अपने सीनियर पर ही गुस्सा होने लगी थी। उसका मानना था जब उसे पता है हाइकिंग के दौरान ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वह खतरे को मोल क्यों ली। अभी तक तो सिर्फ बारिश की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब बारिश ज्यादा हुई तो ऊपर के छोटे छोटे चट्टान खिसक कर आने लगे नीचे, जिनके कुछ पार्टिकल गिर रहे थे उनके ऊपर भी। इसलिए दोनों खिसक कर और अंदर की तरफ चली गईं। यहाँ ये खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, इसके बावजूद ये हैं खतरे के बीच ही। जब तक बारिश होती रही खटपीट करती हुई पत्थरों की आवाज गिरने की सुनाई देती रही। रात का 50% समय तो इनका ऐसे ही गुजर गया। जब सुबह होने का टाइम आया तब जाकर बारिश कुछ हद तक कम हुई, इसलिए इन्हें सोने का कुछ ही घंटों का समय मिल पाया था। जब बारिश पूरी तरह से खत्म हुई तो दोनों लोग बाहर की ओर देखें, जहां उन्हें देखने को मिला बारिश पहले से भले ही कम हुई है, पर घने बादल होने की वजह से आसमान अभी भी काला अंधेरा है। मतलब बारिश होना इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। सुबह को दोनों लोगों को भूख प्यास लगने लगे। इनके पास खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान था, निकलने से पहले इन्होंने करीब 4 दिनों के लिए खाने पीने का सामान लिया हुआ था, इसी वजह से इन्हें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, मगर इसके बावजूद यहाँ से निकलना बहुत ही जरूरी है। इन्हें अभी तो ये भी नहीं पता ये कब तक यहाँ फंसी रहेंगी, यहाँ से निकल भी पाएंगी या फिर नहीं, कोई जवाब नहीं था दोनों की ओर से। वैसे भी यह इलाका ठंड वाला था, पूरी रात बारिश होने के कारण तापमान पहुंच गया 0°C पर। यहाँ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाइपोथर्मिया, अब तक दोनों लोग ठंड से कांप रही थी। अब तक इन्हें यहाँ फंसे हुए लगभग 24 घंटे कंप्लीट होने वाले थे। बारिश होने की वजह से अब जो इनका यहाँ से निकलने की उम्मीद थी वह अभी पूरी तरह से कम हो चुकी है, क्योंकि अब तक तो बाहर की चट्टानें पूरी तरह से भीग चुकी होंगी। अगर ये जोर जबरदस्ती करके ऊपर चढ़ने की कोशिश किए तो ये फिसल कर गिरेंगे नीचे। दूसरे दिन भी सेम सिचुएशन रही, पूरा दिन पूरी रात उसी गुफा जैसे सुराख में फंसी रही, बारिश भी होती रही उसी तरह। यह है तीसरा दिन, तीसरे दिन भी बारिश होना बंद नहीं हुआ है। ठंड की वजह से पिछली रात सही से नींद भी नहीं पूरी हुई। पिछले 48 घंटों से एक ही जगह फंसे फंसे इनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इसी टाइम इन्हें अपने पैरों में दर्द होता हुआ महसूस हुआ। पता करने के लिए जब सूच को निकाला गया तो इन्होंने पाया लगातार 24 घंटे से पानी से भीगते भीगते पैर का स्किन फूल चुका है। ऐसा कभी न कभी आपने भी अपने साथ होते हुए देखा होगा, यदि 5 से 7 घंटे तक हाथ पांव लगातार पानी में रहे तो उस हिस्से की स्किन फूल जाएगी। सेम इसी तरह की सिचुएशन थी उनके साथ भी। सूच को निकालने के बाद इन्हें भी देखने को मिला इनके दोनों पैरों का स्किन फूल चुका है। अब तो और भी प्रॉब्लम थी उनके साथ, अगर ये और ज्यादा समय तक भीगता रहा तो फंगस इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है। इसी तरह एक ही जगह फंसे हुए तीसरा दिन तथा रात भी गुजर गया।
फाइनली आया चौथा दिन यानी है 25 दिसंबर क्रिसमस डे का वह दिन जिसे सेलिब्रेट करने के लिए यहां आई थी, पर यहां पहुंचकर ऐसे प्रॉब्लम में फंस गईं। सेलिब्रेशन तो दूर की बात, जान बचाने पर भी आफत आ पड़ी है। आगे वक्त के साथ जूनियर की मानसिक स्थिति खराब होने लगी, वह अजीब तरह की बहकी बहकी बातें करने लगी। साथ ही साथ वह दिन में भी सोने लगी थी। सीनियर उसे जब भी जागते रहने को कहती थी तो नींद से जागते ही वापस से बहकी बहकी बातें करने लगती थी। दोनों किस प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं? सीनियर उसे इन सब सिचुएशन के बारे में जब भी समझाने की कोशिश करती थी, दोनों के बीच हो जाती थी बहसबाजी। अब तक ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, दोनों वापस से हाथापाई करने लगती थी। पर सीनियर को तो सच्चाई पता थी कि इसे ये सब हो रहा है हेलुसिनेशन की वजह से, इसलिए वह चीजों को कंट्रोल में रखी। चौथे दिन बाकी दिन की अपेक्षा बारिश और भी बढ़ गई, पर जूनियर की हरकतें कम नहीं हुई थी। सीनियर के मना करने के बावजूद वह बार बार सोने लगी, लेकिन जब उसे सोने नहीं दिया गया, बार बार जगाने की कोशिश की गई, तो वह वापस से सीनियर से हाथापाई करने लगी। दोनों के बीच माहौल इस हद तक खराब हो गया मानो जैसे ये लड़ते लड़ते नीचे गिर जाएंगी। पर बात आगे तक बिगड़ती, दोनों लोग शांत हो गई थी। आगे चलकर जब उसके मानसिक स्थिति में सुधार आया तो वो अपने की हुई गलती की माफी भी मांगी। फाइनली चौथा दिन भी खत्म हुआ। आ चुका है पांचवा दिन, क्रिसमस डे का दूसरा दिन। जूनियर क्रिसमस सेलिब्रेट न करने की वजह से और भी गुस्सा हुई। यह फ्रस्ट्रेशन वह खुद पर ही निकालती थी। अब तक इनके पास जो पीने के लिए पानी था वह भी खत्म हो चुका है। प्यास बुझाने के लिए बारिश के पानी का सहारा लिया गया, मगर बारिश की एक एक बूंद से प्यास बुझाना आसान नहीं था। मगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो उन्हें ऐसा करना ही था। जिस तरह क्रिसमस के दिन जूनियर पहाड़ी के बीच फंसी हुई थी, सेम उसी दिन उसकी फैमिली मना रही थी क्रिसमस। उन्हें भी उम्मीद था कि सोनजा भी सेलिब्रेट कर रही होगी क्रिसमस, पर सच तो कुछ और ही है जिससे अभी भी अनजान है उसकी फैमिली। जैसा कि उनके गायब हुए 5 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस हिसाब से उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि वे तो गए थे सिर्फ 4 दिनों के लिए। देरी ने करते हुए जूनियर की सिस्टर ये खबर पुलिस को दी कि दो लोग पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए गए थे, पर वे अभी तक नहीं लौटे। आगे ये खबर नेशनल पार्क के माउंटेन रेंजर को दी गई, क्योंकि इन्हीं माउंटेन रेंजर का काम होता है पहाड़ी पर जाने का तथा वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करने का। वहीं पहाड़ी के बीच दोनों लोग सेलिब्रेशन के लिए जो वाइन का डिब्बा ले गए थे, सारा वाइन गटकना शुरू कर दी है। फाइनली जब उन दोनों के गायब होने की खबर रेस्क्यू टीम को मिली, तो आखिर में ये पता करने की कोशिश की गई, आखिर में दोनों लोग हाइकिंग की शुरुआत कहां से की थी तथा उनके फंसे होने की संभावना कहां पर सबसे ज्यादा होगी। पांचवा दिन तो प्लानिंग में ही गुजर गया। आ चुका है छठा दिन। छठे दिन के सुबह ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम निकल गई पहाड़ी की ओर। पहले दिन वैली के 17 किलोमीटर एरिया में उन दोनों को ढूंढा गया। स्टार्टिंग में यह काम सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर से किया जा रहा था। जब काफी लंबे खोज के बाद भी दोनों का पता नहीं चला, तो और 2 हेलीकॉप्टर को लगाया गया उन्हें ढूंढने के लिए। पर सैकड़ों किलोमीटर एरिया में फैली इस वैली के बीच दोनों को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच नहीं जाती, दोनों को कैसे भी करके सर्वाइव करते रहना होगा। पर एक ही जगह ऐसे पड़े रहना इतना भी आसान नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अब तो दोनों की भी मानसिक स्थिति खराब होने लगी, मेंटली कमजोर होने लगी। फाइनली छठा दिन तथा रात भी गुजरा। आ चुका है सातवां दिन। दोनों लोग अभी भी फंसी हुई हैं वहीं पर। रेस्क्यू टीम को अब तक उनके लोकेशन का पता नहीं चल सका। दोपहर तक ये दोनों लोग भी रेस्क्यू टीम के इंतजार में बैठी रहीं। इसी टाइम इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनने को मिली थी। मदद के लिए दोनों लोग चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाए, पर उस टाइम बारिश हो रही थी। आसमान भरा हुआ था घने बादल से, इसी कारण ना ही उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ी, ना ही आवाज पहुंच सकी पायलट तक। ये जिस पहाड़ी पर मौजूद हैं, वहां से नॉर्मल बेस की दूरी थी लगभग 1200 मीटर, मिस 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। फाइनली सातवां दिन भी खत्म हुआ। आ चुका है आठवां दिन। मगर अब लगातार पैर के भीगने की वजह से स्किन और भी खराब होती गई। पैर में इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया। पिछले 2 से 3 दिन के जांच के बाद भी जब रेस्क्यू टीम को दोनों का पता नहीं चला, तो आगे फैसला किया गया कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती, तब तक ये वापस से जांच शुरू नहीं करेंगे। आठवें दिन बारिश बाकी दिन की अपेक्षा काफी तेज थी, पर वहीं रात होने के बाद उन्होंने देखा कि बारिश धीरे धीरे कम हो रही है, साथ ही साथ आसमान से बादल भी गायब हो रहे हैं। इन्हें उम्मीद है शायद से अब बारिश होनी बंद हो जाएगी। यह देख ये जितना खुश नहीं थे, उससे ज्यादा तो थे परेशान, क्योंकि बारिश होने पर भी फिर भी सुरक्षित थे। लेकिन अब जैसे ही बारिश बंद होगी, बर्फबारी होना शुरू होगा। ऐसे में तापमान पहुँच जाएगा माइनस में, फिर इनका यहाँ से बचकर निकलना होगा नामुमकिन। नौवें दिन की सुबह से इन्होंने जैसी उम्मीद की थी चीजें होनी शुरू हो गईं। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। तापमान जाने लगा नीचे।
वक्त के साथ दोनों लोग जा रही थी हाइपोथर्मिया में। फ्रॉस्ट वाइट की वजह से उनका पैर काम करना बंद कर दिया। अब तक जो पहाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही थी धीरे धीरे बर्फ के चादर में ढकने लगी। फाइनली नौवां दिन भी खत्म हुआ, आ चुका है दसवां दिन। दोनों हर टाइम जीवन तथा मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। पर दसवें दिन की दोपहर के बाद इन्हें कुछ राहत हुई जब इन्होंने पाया सूरज निकल रहा है। इतना पर्याप्त था कि ये हाइपोथर्मिया से बच सकती हैं। इसी टाइम इन्हें ये भी उम्मीद जगी शायद अब रेस्क्यू टीम इन तक पहुंच जाएगी। असल में इस बात में सच्चाई भी थी क्योंकि जैसे ही दसवें दिन मौसम क्लियर हुआ जूनियर की सिस्टर के जोर जबरदस्ती करने पर रेस्क्यू टीम वापस से उन्हें ढूंढने का फैसला की। पर कहीं न कहीं उन्हें इस बात का भी शक था कि बीते 10 दिनों में उनका जीवित बचना नामुमकिन होगा। इसके बावजूद वे अपना काम करने को तैयार थे। इस बार रेस्क्यू टीम जूनियर के सिस्टर के तसल्ली के लिए उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला किए। जिस तरह रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुकी थी सेम उसी तरह दोनों लोग मौसम के क्लियर होने के बाद वापस से ऊपर चढ़ने का फैसला किए। जिस तरह ये दोनों लोग वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं सेम उसी तरह रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढ रही थी अलग अलग दिशा में। काफी लंबे खोज के बाद आखिरकार हेलीकॉप्टर उस एरिया में पहुंच गई जहां पर मौजूद थी दोनों लोग। हेलीकॉप्टर जब दोनों के और नजदीक पहुंची तो दोनों ने चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाई। इस बार किस्मत ने साथ दिया, पायलट की नजर दोनों पर पड़ गई। यहां पर रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से लेकर नहीं गई बल्कि उनके लोकेशन का पता बताने के लिए बाकी टीम के पास पहुंची। इस तरह एक दूसरी टीम पहाड़ी की चोटी पर पहुंची जहां से दोनों को रेस्क्यू किया गया। इन 10 दिनों में खराब मौसम तथा तरह तरह के प्रॉब्लम से बचकर ये 10 दिनों तक जिस तरह सरवाइव किए थे अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर इन्हीं की तरह एक और बंदा हाइकिंग के लिए निकला था न्यूजीलैंड के ही पहाड़ी में, वह भी अपने डॉग के साथ। पर वह इन दोनों से ज्यादा बुरे हालात में फंसा जहां से बचना लगभग नामुमकिन था, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।